हरि ओम। प्रथम स्कंद पंचमोध्याय पंचत्रिंशत्तम श्लोक। यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषण ज्ञानं तत्तदधीनं हि भक्तियोग समन्वितं। भक्तियोग समन्वितं। व्यास जी क्या कहूँ, लेकिन शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्यथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तो नहीं। भगवत परितोषणम, परमात्मा की प्रसन्नता, वो तो भक्ति योग समन्वितम यद ज्ञानम तद ज्ञानम अधितम तदा एव तस्य भक्तस्य तस्य मानवस्य तस्य कल्याणम भवति, अन्यथा कल्याणम न भवति। अतः अहम तो एतदेव जानामि, क्योंकि मैं उन महात्माओं के साथ रहते हुए केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न तो गुणै ही भक्ति प्रियो श्री हरि ही, भगवत भक्ति से ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान भक्ति के प्रिय हैं। भगवान भक्ति से बंधे जाते हैं, न ज्ञान से, न बल से, न बुद्धि से और ना ही धन से। यदि केवल हमारे प्रभु बंधते हैं तो केवल अनन्य परमात्मा के प्रति निष्ठा, अनन्य परमात्मा की भक्ति, कीर्तन, स्तुति, और वो भी ज्ञान समन्वितम, और उसी से ही भगवत परितोषणम, भगवान की जो प्रसन्नता है वह प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो ही कर्म करते रहना चाहिए और उसी कर्म को करते हुए पराभक्तियुक्त ज्ञान, और उस ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ऋतिक ज्ञानान्न मुक्ति ही। इसलिए भगवान की नित्य निरंतर भक्ति है, उस भक्ति की प्रधानता, और भक्ति से भगवान वह उत्तम ज्ञान को भी प्रदान करते रहते हैं। भगवान जब संतुष्ट हो गए, भगवान जब प्रसन्न हो गए, भगवान की जो प्रसन्नता प्राप्त हो गई, फिर तो भला कहना ही क्या है। हरि शरणम् यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम् ज्ञानम् यत्तदधीनम् हि भक्तियोग समन्वितम्।